Hey friends, hi. As I promised you that I'll soon upload my new lesson, so here I'm with it, my new lesson that is on tenses. Friends, we are going to learn about tenses. What are the tenses, when they are used and how we use them. Kaise hum use karte hain aur hum ise kis purposes ke liye use karte hain. In this part, I'm gonna just take simple present tense and simple continuous tense. Let us start. Tenses. Tenses are the form of verbs which are taken to present to represent the time of action. हम उन tense, हम उन form of verbs को use करते हैं जो हमारे action के time को बताता है कि हम activity किस समय पे कर रहे थे, वो हमारे tenses होते हैं. Tenses हमारे three types के होते हैं, present, past and future. Present में then again we are further divided. Present indefinite, that is simple present, then present continuous, present perfect and present perfect continuous. Same it goes with past and future tense. In this lesson, we are just going to learn about present tense, and in that also only present simple and present continuous. Let us start. Simple present tense, the uses. We use this tense in normal action, like hum jo हमारी जो हैबिट्स होती हैं, हम जो हैबिचुअल एक्टिविटीज़ करते हैं ना, यूजुअली गाना गाते हैं, यूजुअली कुकिंग करते हैं, यूजुअली डांस करते हैं, तो जो यूजुअली वाली हैबिट्स होती हैं हम उनको रिप्रेजेंट करने के लिए टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. हमारे जो ट्रुथ्स होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ, जनरल ट्रुथ, फैक्ट होते हैं, कोट्स होते हैं ऑथर्स के, इडियम्स होते हैं, क्लॉजेस होते हैं, फ्रेजेस होते हैं जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, जो कि अब इस नेचर का पार्ट बन चुके हैं. वी कैन नॉट चेंज देम. दोज आर आल्सो एक्सप्लेन्ड और रिप्रेजेंट बाय सिंपल प्रेजेंट टेंस. और मैं बात करूं आगे, तो हम लोग नॉर्मली अपने एक्सक्लेमेशंस देने के लिए, अपने इवेंट्स देने के लिए, फंक्शंस देने के लिए, ड्रामेटिक नरेशंस देने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. फ्यूचर अरेंजमेंट्स करनी होती हैं हमें, लेकिन हमारी फ्यूचर अरेंजमेंट्स हमारे प्रेजेंट एक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, तो भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन के लिए, मतलब आई, वी, यू एंड दे के लिए. सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, एंड वी यूज ऑब्जेक्ट आफ्टर वर्ब. सब्जेक्ट हमारा डूअर होता है, जो वो एक्शन कर रहा है, और वर्ब हमारा एक्शन होता है जिसकी हम फर्स्ट फॉर्म ही लेते हैं, और ऑब्जेक्ट हमारा रिसीवर होता है जिसके ऊपर एक्शन किया जा रहा है. मैं बात करूँ थर्ड पर्सन की, व्हेन वी टॉक अबाउट थर्ड पर्सन, दैट इज ही, शी और इट, देन आवर स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट. फ्रेंड्स, लेट मी रिकग्नाइज यू हेयर. सब्जेक्ट हम नॉर्मली यहाँ पे सिंगुलर ही लेते हैं, ही, शी, इट, दैट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर पर्सन. तो हम यहाँ पे अपना वर्ब भी सिंगुलर ही रखते हैं, एंड टू मेक द वर्ब सिंगुलर वी ऑलवेज एड इट एस और ई एस ओवर इट. अब फॉर अगर मैं अफर्मेटिव से हटके बात करूं, अदर देन अफर्मेटिव, देन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं. नेगेटिव में हम लोग सब्जेक्ट के बाद, आफ्टर सब्जेक्ट, वी ऑलवेज प्लेस डू नॉट ओवर देयर. हम लोग सब्जेक्ट के बाद डू नॉट लगा देते हैं. और अगर मैं थर्ड पर्सन की बात करूँ, ये तो रही डू नॉट वाली जो हम फर्स्ट और सेकेंड पर्सन के साथ करते हैं, अगर मैं थर्ड पर्सन की बात करूँ तो हम यहाँ पे डज नॉट लगा देते हैं. इसका भी एक लॉजिक है. इसका ये लॉजिक है कि हम लोग वर्ब के साथ जब हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, तो हम लोग उसमें एस और ईएस ऐड कर देंगे. हम लोग हेल्पिंग वर्ब में एस और ईएस ऐड कर देंगे, वर्ब में एस और ईएस ऐड नहीं करेंगे. इंटरोगेटिव की बात करूं तो डू और डस, जो भी सेंटेंस में लगा है, वट एवर वी आर यूजिंग अकॉर्डिंग टू दी सेंटेंसेस, डू और डस विल बी प्लेस्ड बिफोर सब्जेक्ट ऑन दी फर्स्ट पोजिशन. फॉर एग्जाम्पल, इन अफर्मेटिव, नेहा राइट्स अ लेटर. इट वॉज अ नॉर्मल सेंटेंस. इन नेगेटिव, नेहा डज नॉट राइट अ लेटर. हैव यू सीन, मैंने राइट से एस हटाकर डू में लगा दिया, दैट इज डस, इट बिकम्स डस. नेहा डज नॉट राइट अ लेटर. एंड इंटरोगेटिव, डज नेहा राइट अ लेटर. डज टेक्स द फर्स्ट पोजिशन इन द सेंटेंस. नाउ दिस टॉपिक इज ओवर. आर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस और कंटिन्यूटी. कोई भी एक्शन जिसे हमने कंटिन्यूसली करा है, उसे डिस्क्राइब करने के लिए, उसे एक्सप्लेन करने के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं. या फिर कोई भी प्रेजेंट
ट्रेंड को या प्रेजेंट फैशन को या प्रेजेंट हमारी जो एक्टिविटीज चल रही हैं उनके ऊपर हमारा फ्यूचर प्लान हो रहा है, तो हम उसके लिए भी अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। इसमें नॉर्मली हम कुछ फॉर्म ऑफ वर्ब्स यूज करते हैं। वी यूजुअली यूज दी स्टेटिव वर्ब्स ओवर देयर, थिंकिंग वर्ब्स दैट शोज दी थिंकिंग प्रोसेस ऑफ आर माइंड, ऑफ अ पर्सन्स माइंड। इमोशन वर्ब्स, जिससे हमारे इमोशंस दिखते हैं। वर्ब्स ऑफ अपेयरिंग, जिससे एक बंदे का, एक इंसान का अपेयरेंस दिखता है। वर्ब ऑफ परसेप्शन, द बिहेवियोरियल परसेप्शन, द बिहेवियोरियल स्किल्स, द बिहेवियोरियल ओपिनियंस ऑफ द पर्सन आर शोन बाय दिस वर्ब। एंड वर्ब ऑफ पोजेशन, द ओनिंग, द बिलोंगिंगनेस, द पोजेशन ऑफ द पर्सन इज शोन बाय दिस वर्ब, जिससे हमें पता चलता है कि ओनर कौन है। स्ट्रक्चर, हेयर द हेल्पिंग वर्ब्स आर इज आर एंड एम। एम हम लोग सिर्फ अपने लिए यूज करते हैं, दैट इज फॉर फर्स्ट पर्सन। हु इज द नरेटर, हु इज द स्पीकर, जो भी होगा वो अपने लिए एम का यूज करेगा। दैट इज सब्जेक्ट प्लस एम प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स प्लीज ध्यान दीजिएगा, पे अटेंशन ओवर हेयर, दैट इन दिस टेंस, इन दिस फॉर्म ऑफ टेंस वी ऑलवेज यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, क्योंकि यहाँ पे हमारे हेल्पिंग वर्ब्स ऐड हो रहे हैं। एंड अगर मैं बात करूँ फॉर सेकंड पर्सन एंड प्लूरल पर्सन, सेकंड एंड प्लूरल पर्सन, वी दे एंड यू, देन हम लोग आर का यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। और यही मैं थर्ड पर्सन की बात करूँ, दैट इज फॉर ही शी एंड इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर, देन हम बात करते हैं इज लगाकर, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव की बात करूँ तो हेल्पिंग वर्ब्स टेक्स द फर्स्ट पोजीशन इन द सेंटेंस। एंड नेगेटिव की बात करूँ तो नॉट इज प्लेस्ड आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब्स एंड बिफोर द वर्ब इन द सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, यू हैव सीन हियर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, सो आई हैव यूज्ड एम हियर। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन, आई हैव यूज्ड इज, ही इज नॉट वर्किंग। एंड इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब इज हैज टेकन द फर्स्ट पोजिशन इन द सेंटेंस, इज ही नॉट वर्किंग। आई होप फ्रेंड्स दैट यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर, आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम यू एंड आई होप दैट आई वॉज क्लियर टू यू, माई नॉलेज वॉज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच।